दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में जो आपके लिए खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है ग्रुप बी और सी के पदों पर 141 पदों पर जो है बहाली के लिए भर्ती निकाली गई। मतलब क्या है, इसमें जो है आपकी जो है वर्कशॉप के अंतर्गत यहाँ पे ये, इसके बाद जो है वेटनरी स्टाफ की है, लाइब्रेरियन के पदों पर ग्रुप ए बी और सी के पद शामिल हैं। ये भर्ती कहाँ से निकाली गई है, बीएसएफ के जो है, बीएसएफ है ना, गवर्नमेंट जॉब है ये, है वो वाली नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि मतलब कि संविदा वाली है ना। इसके बाद जीएनएम है, लैब टेक्नीशियन है, आईटीआई और इसमें 10th क्लास, ये मतलब ये इसमें क्वालिफिकेशन योग्यता है, ठीक है। और 21 से 30 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं एससी वालों को जो है 5 साल छूट मिलती है, और ओबीसी को जो है इसमें जो 3 साल की छूट दी जाती है नियमानुसार, जो भारत सरकार के अनुसार, ठीक है। अगर आपको बिलीफ नहीं है तो ये जो है साइट वगैरह यहाँ पे दे रखी है, इस वाली ऑफिशियल जो है साइट पे जाके ज़्यादा फॉर्म जो आप ये भर सकते हैं, ठीक है। सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई 2024 के जरिए इसके अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑफिशियल साइट आपको ये दे रखी है, यहाँ पे जाके ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर जो है ये देख लीजिए। वहीं पर जो एक भर्ती नई भर्ती और आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट की बात करें 28 जून 2024, एयरफोर्स का नाम आपने सुना ही होगा। एयरफोर्स के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी चल रही है, यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर देगा, 304 पदों पर जो वाली इसमें हो रही है। और यहाँ पर देख लीजिए वायुसेना के अंतर्गत भर्ती का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। वही चीज मैंने आपको बोला, 5 नई भर्ती का जो विज्ञापन आया वो यहीं से आया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एयरफोर्स के अंतर्गत यहाँ पे जो है ये वैकेंसी आ चुकी है, 304 पदों पर जो ऑफिशियल जो है साइड ये दे रखी है, और यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, जो बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो 50% अंकों के साथ 12th साइंस, अगर आपने 12th साइंस कर रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास, मैथमेटिक्स आप गए तो उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, इसके अंतर्गत यहाँ पे जो ये फॉर्म भर दीजिएगा। बात करें यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पे जो नए सत्र के लिए है, दिसंबर तक जो पीएचडी प्रवेश पूरा करने का लक्ष्य, यहाँ पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो संगठन जो है महाविद्यालय में पीछे चल रहा है पीएचडी का सत्र, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विभागों से जल्द जो है मांगा जाएगा सीटों का विवरण, और इसके बाद यहाँ पे इसमें होंगे आवेदन। बात करें यहाँ पे जो भाजपा का कोई भी नेता जो है बेरोजगारी व महंगाई की बात नहीं करता है, खड़गे तो ये बात कर रहे हैं। इसमें जो है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है इसमें इन्होंने कहा कि संविधान पर हमला करने वालों को हारना ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये आप सभी जानते हैं चुनावी मुद्दा होता है जो है ना, तो चुनाव एक दूसरे पर ब्लेम तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ क्या है, चुनावी माहौल है, आप सभी जानते हैं, चार तरफ के बोर्ड खुल जाएंगे, सब माहौल ठंडा हो जाएगा, कोई कुछ किसी के बारे में नहीं कहेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर देख लीजिए आज यहाँ पर इस तरीके से पूरा जो है पूरा यहाँ पर इन्होंने दे दिया गया है ये। वहीं पर जो है बात करेंगे इसमें बीपीएससी, तो बीपीएससी के अंतर्गत यहाँ पे ब्लॉक जो है इसमें हॉर्टिकल्चर के ऑफिस के पदों पर जो है ऑफिसर, ब्लॉक हॉर्टिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती आ चुकी है, 318 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो कहना मतलब फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म इसमें ऑनलाइन आपको तरीके से भरना है, आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये बात कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट यहाँ पे जो 29 मई 2024 है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं सर बिहार लोकसभा की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिहार में अभी शिक्षक भर्ती आई थी, कम से कम उसमें कम 40 से 50 लड़के इसमें यूपी के लगे हुए थे, ठीक है। तो उसमें कहा है इसमें जो है जनरल में काउंट होंगे, कहने मतलब कि अगर एससी और ओबीसी कैंडिडेट अगर फॉर्म डालता है इसमें जो है ये, तो इसके अंदर आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसमें एज लिमिट की बात करें, इसमें 21 से 40 वर्ष इसमें एज लिमिट बताई गई है। और यहाँ पे बात करें हाईकोर्ट की तरफ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यहाँ पे जो हाईकोर्ट की तरफ से वैकेंसी जो निकाली गई है आपको 15 जून 2024 की लास्ट डेट है, यहाँ पर जो ये वैकेंसी आपका 1318 पदों पर निकली गई है, विभिन्न पदों भर्ती इसमें आज ग्रुप सी ग्रुप डी होती है, आप सभी जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में भर्ती निकलती रहती है। उसी तरह यहाँ स्टेनोग्राफर, सेक्शन ऑफिसर भी, और भी कई सारे कंप्यूटर ऑपरेटर पद है यहाँ पर जो, और इसके अलावा जो है ये देख लीजिए पदों की, यहाँ पे जो है ऑफिस सीधी से बात करना कुछ नहीं है, करना सीधे ये ऑफिसियल साइड पे जाना, यहाँ पे इस वाली साइड पे पूरा ब्यौरा यहाँ पे जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वाली साइड पे जाइएगा, इस पर पूरा ब्यौरा आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। थंबनेल में आपने जैसा देख ही लिया हुआ, यहाँ पर जो है ये आपका ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के 6570 पदों पर भर्ती निकली है, आवेदन बिल्कुल आपका निःशुल्क है, ठीक है। मैंने आपको बोला आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने जो है अगर इंटर पास कर रखा, इंटर पास होना जरूरी है, तो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6570 पदों पर वैकेंसी चल रही है, यहाँ पर उम्मीदवार ऑफिसियल जो है साइट पर जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में 4270 पद पुरुष के हैं और इसमें 2300 पद महिला के हैं, तो मतलब क्या है ये जो वैकेंसी जो आपकी निकाली गई 6570 पदों पर, जिसमें जो है 4270 पद जो हैं वो आपके पुरुष के हैं, और इसमें 2300 जो है पद आपके जो है ये महिला के, ठीक है। तो ये देख लीजिए आवेदन कैसे करना, आवेदन आपको जो कैसे करना है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल साइट पे जाना है और यहाँ पे जाके फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ आवेदन कैसे करना है, और आवेदन यहाँ पे साइड पे दोनों साइड एक ही दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे जाके फॉर्म भरती है, पर हाँ एज लिमिट का ध्यान रखिए, 21 से 50 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं जनरल को जो है
है ना, 5 साल छूट, वो 3 साल छूट रहती है ओबीसी को, यहाँ पे देख लीजिए पूरा छूट का ब्यौरा यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी सब कुछ नीचे लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। बात करें यहाँ पे जो अगले साल तक जो है 10 लाख जो है वो आप नौकरी देखने का वादा पूरा हो जाएगा। मतलब क्या, जो बिहार के तो मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है अगले साल जो है 10 लाख 10 लाख नौकरियाँ देने का यहाँ पे जो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, पति पत्नी ने बिहार में जो है बदवाली की तकेला, यहाँ पे देख लीजिए। बात करें अग्निवीर का, आपने सुना ही होगा, तो वहीं भी अग्निपथ परीक्षा में अभ्यर्थियों का होगा इसमें मनोवैज्ञानिक टेस्ट, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी टेस्ट होगा यहाँ पर जो ये, और जो साइड वगैरह ये इधर की यहाँ पर जाके जो है पूरा ब्यौरा देख सकते हैं। सैंपल पेपर पड़े हुए हैं, सैंपल पेपर यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर जो है अभी इसके बारे में मैंने आपको बताई दिया, दाखिले के लिए जो है 21,905 जो है पंजीकरण यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर जो है। बात करें यहाँ पे यूपी बिहार के जो है 16 जिलों में होगी जेई भर्ती परीक्षा। बात करें यहाँ पे 5, 6 और 7 जून को जो प्रस्तावित परीक्षा के लिए यहाँ पे इस सप्ताह जारी होगा प्रवेश पत्र मतगणना के बाद जिसमें हो रही है यहाँ पे, तो आप सभी जानते हैं इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद कम 16 जिलों में इसमें जेई की जूनियर इंजीनियर जिसको आप बोलते हैं SSC के द्वारा परीक्षा कराई जाएगी। प्रवेश शुल्क के लिए यहाँ पर बिना शुल्क यहाँ पर आवेदन कर इसमें आवेदन करने का मौका दे दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लैब असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी इसमें चल रही उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ये आपका लाइब्रेरियन हो गया ये है ना। और इसके बाद यहाँ पर आर्ट मास्टर वगैरह वैकेंसी चल रही यहाँ पर देख लीजिए। काउंसलर वगैरह सैलरी की बात करेंगे, यहाँ पर जो लैब असिस्टेंट की सैलरी यहाँ पर जो है 25,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी आपको दी जाएगी। संविदा की नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा TGT PGT की वैकेंसियाँ बताई गई हैं, कहाँ से निकाली गई हैं, सैनिक स्कूल अमेठी की तरफ से यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है ये, और एड्रेस वगैरह भी मैं आपको शो कर दूंगा। यहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म जो है डाउनलोड कर लीजिएगा साइट से। और जो है ये यहाँ पर जो लास्ट डेट की बात करेंगे तो 22 जून 2024 की लास्ट डेट है ये, और ये पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी ऊपर दिया हुआ है ये देख लीजिए, फ़ोन नंबर से आप जो है संपर्क कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दिया गया है यहाँ पर। कल रात का थंबनेल है ये, कल रात के थंबनेल में आप ये देख लीजिए भर्ती है, 3 भर्ती आ चुकी हैं। बात करते हैं कमेंटों की, यहाँ पे लिखा हुआ योगा टीचर की भर्ती कब आएगी, मैंने आपको बोला कि थोड़ा सब्र रखिएगा भर्ती जरूर आएगी यहाँ पर जो ये हमें तो कमेंट करते रहते हैं, सर प्लीज़ बताइएगा पुरानी क्लर्क भर्ती में जो ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। अभी बस केवल 1 हफ्ते का सब्र कीजिएगा, 100% काम शुरू हो जाएगा, जैसा कि इसमें थंबनेल में भी दिखा दिया गया कि अब जो है इसके अलावा जो है भर्ती शुरू होने वाली है। इसके बाद जो है ये सर प्रणाम, इसमें यहाँ पर देख रहे सर एडेड कॉलेज के अंतर्गत प्योन वैकेंसी झांसी में डिस्ट्रिक्ट में जो है इसमें भर्ती हुई थी, उसका वेतन कब तक मिलेगा, 5 महीने हो गए। देखो संविदा की नौकरी मैंने आपको बोला 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, 8-8 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं मिलती। यहाँ पर देख लीजिए आपको 5 महीने हो गए और इन भाई को जो 7 महीने हो चुके हैं, यहाँ पर देखिए 7 महीने बहुत परेशान, सैलरी इनको नहीं मिल रही है। ये बात हो रही है इसमें एडेड कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर संविदा पर जो भर्ती है उसकी बात चल रही, तो एक बात बताइएगा, ये आप डी हाउस ऑफिस जाइएगा, डी हाउस ऑफिस में बताइएगा। ठीक है सर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी जो है अभी है भी आई हैं, अभी के संविदा पर पीछे आई थी, अभी नहीं आई यहाँ पर जो है ये। और हाँ, अदर स्टेट की वैकेंसी भी दिखाता रहता हूँ यहाँ पर जो मैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती कब आएगी, गुजरात हाईकोर्ट की भर्ती आ चुकी इसी वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्म भर दीजिएगा है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे दिया गया है ये। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच।